हेलो एवरीवन, दिस इज दिशा। वेलकम बैक टू द चैनल मेडिकल दिशा। इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग अ फ्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। दिस इज अ चैप्टर ऑफ क्लास 12th ऑर्गेनिक। फर्स्ट, इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनल बाय ए कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, बी ट्रीटमेंट विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सी ट्रीटमेंट विथ पीसीसी, डी ट्रीटमेंट विथ KMnO4। राइट आंसर विल बी सी, ट्रीटमेंट विथ पीसीसी। पीसीसी इज पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, इट कन्वर्ट्स एल्कोहल टू एल्डिहाइड्स। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल यील्ड फिनोल। हमें तीन रिएक्शंस दिए हुए हैं, वी हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड फिनोल। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, बिकॉज ऑल द थ्री आर द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनोल। सो अवर आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। थर्ड क्वेश्चन, इन द रिएक्शन सी इज, हमें एक सीरीज ऑफ रिएक्शन गिवन है, वी हैव टू टेल द एंड प्रोडक्ट सी। कमिंग टू द सॉल्यूशन, व्हेन टू ब्रोमोप्रोपेन रिएक्ट्स विद एल्कोहोलिक KOH, एल्कोहोलिक KOH जहां है वहां पे एलिमिनेशन होगी। सो बीटा एलिमिनेशन होगी, ये बन गया प्रोपीन, फिर HBr परऑक्साइड, तो ये 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, उसके बाद CH3ONa, तो यहाँ पे होगी अब सब्स्टिट्यूशन, ये Br हटेगा और OCH3 ज्वाइन हो जाएगा। राइट आंसर विल बी 1-methoxypropane। इसका सही जवाब होगा B। क्वेश्चन फोर्थ, फिनोल रिएक्ट्स विद जिंक डस्ट टू गिव एक्स, एक्स रिएक्ट्स विद CH3Cl एंड एनहाइड्रस AlCl3 टू गिव वाई, वाई रिएक्ट्स विद एल्केलाइन KMnO4 टू गिव जेड। वी हैव टू टेल वॉट इज जेड, ये भी एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है। कमिंग टू द सॉल्यूशन, फिनोल जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो बेंजीन बनती है, उसके बाद होगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, जिससे बनेगी टोलुइन, टोलुइन एल्केलाइन KMnO4, ये बनेगा बेंजोइक एसिड। राइट आंसर विल बी बी, बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स मे बी यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। ए मॉलिश रिएजेंट, बी न्यूट्रल FeCl3, सी एक्वस NaOH, डी टॉलेंस रिएजेंट। इसका सही जवाब होगा बी, न्यूट्रल FeCl3। क्वेश्चन सिक्स, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाइमिथाइल ईथर इज, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और SN2 रिएक्शन। इसका सही जवाब होगा SN2 रिएक्शन। क्वेश्चन सेवन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, मेटानाइट्रोफिनोल, मेटाक्रिजोल, फिनोल, मेटाक्लोरोफिनोल। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा नाइट्रो, क्योंकि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और सबसे कम एसिडिक होगा मेटाक्रिजोल, क्योंकि जो इस पे CH3 ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो हमारा सही आंसर डी होगा। एट्थ, रिडक्शन ऑफ फिनोल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इंट्रोड्यूसेस विच वन फंक्शनल ग्रुप, CHCl2, CHO, CH2Cl, COOH।
So this reaction of phenol, chloroform and NaOH is Riemer-Tiemann reaction, जिसका product होता है salicyl aldehyde. Answer होगा B. This is the reaction, Riemer-Tiemann reaction. Question 9th, methoxybenzene on treatment with HI produces A. Iodobenzene and methanol, B. Phenol and methyl iodide, C. Iodobenzene and methyl iodide, D. Phenol and methanol. इसका सही जवाब होगा B. मिथॉक्सीबेंजीन का रिएक्शन एच आई के साथ. तो यहां से क्लीवेज होगी, फिनोल प्लस सी एच थ्री आई बनेगा. 10th क्वेश्चन, व्हेन द वेपर्स ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल आर पास्ड थ्रू हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ब्यूट टू इन, ब्यूटेन टू ओन, टू मिथाइल प्रोपीन, ब्यूटेनल. सो दिस इज द टर्शरी एल्कोहल. जब ये कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा यहाँ, तो ये OH और यहाँ से एक H जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा. सो आंसर विल बी 2 मिथाइल प्रोपीन.